करंट एंड वोल्टेज, इसको हम करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। कई बार इसको आई वी करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, वी आई करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, जो मर्जी बोल सकते हैं। करने से पहले अगर फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर जो बैटरी लगी होती है, उस फॉरवर्ड बायसिंग की बैटरी के पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? नहीं, फॉरवर्ड बायसिंग में जो बैटरी की वोल्टेज है उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज। ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज। और करंट को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड करंट। और रिवर्स बायसिंग में जो बैटरी का वी है उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स बायस्ड वोल्टेज। और करंट को रिवर्स करंट। ठीक, तो इसमें दो टाइप की करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे, एक फॉरवर्ड बायसिंग में और एक रिवर्स बायसिंग में। तो फॉरवर्ड बायसिंग में करेक्टरिस्टिक्स को फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और रिवर्स बायसिंग के अंदर रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स में एक ही चीज करने वाली है कि अगर मैं पीएन जंक्शन या पीएन डायोड की बायसिंग लूं सच दैट ये पी है और ये एन है, और सच दैट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ और नेगेटिव एन के साथ लगाऊं कुछ ऐसे, और मैं वी को इंक्रीज करूं, तो इसमें देखूं कि करंट कैसे चेंज हो रहा है। मैं वी को और बढ़ाता हूं, करंट चेंज होगा, वी को और बढ़ाता हूं, करंट बढ़ेगा। तो शुरू शुरू में तो ऐसा हो रहा है, आप इसमें वी को बढ़ाते हो करंट बढ़ता है, वी को बढ़ाते हो करंट बढ़ता है, वी को बढ़ाते हो करंट बढ़ता है। लेकिन एक ऐसा भी आ जाता है जब करंट नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब आप पीएन जंक्शन की बायसिंग करते हो तो इसमें जो बैटरी लगी होगी इसकी वोल्टेज इतनी ज्यादा हो गई कि पहले तो मेजोरिटी कैरियर्स की ही बात हो रही थी, अब अंदर जो सिलिकॉन 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 की बॉन्ड्स हैं इसके इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज। एनर्जी मिलती है, बहुत सारे चार्ज कैरियर जो है मूव इसमें क्रिएट हो जाते हैं जिससे कि करंट एकदम ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक ऐसी वोल्टेज जब करंट एकदम इंक्रीज शो करता है इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। तो फॉरवर्ड बायसिंग में ये इसका ग्राफ याद ही करना है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स का ऐसे बनता है। और एक खास वोल्टेज जब इस वोल्टेज के बियॉन्ड कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है और पोटेंशियल बैरियर एकदम ओवरकम हो जाता है इसको क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज बोलते हैं। पोटेंशियल बैरियर पूरी तरह ओवरकम कर लिया हमने, अब सारे मेजोरिटी कैरियर आराम से मूव करेंगे, इवन एक्स्ट्रा भी मूव करेंगे। उसी तरीके से नी वोल्टेज हो गया। नेक्स्ट है रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स में रूल नंबर वन, जो ग्राफ बनता है ये करंट है और ये वोल्टेज है। जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है? ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, पहले तो इस क्वाड्रेंट में बनता है जब आई और वी दोनों नेगेटिव है, बिल्कुल बहुत ही कम, ये भी मैंने ज्यादा शो कर दिया, बिल्कुल माइनॉरिटी करंट बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, वोल्टेज रिवर्स बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, माइनॉरिटी करंट नामात्र होता है। लेकिन एक ऐसी वैल्यू आती है जब रिवर्स बायसिंग के अंदर मेजोरिटी करंट तो जा नहीं पाता जंक्शन की तरफ, ठीक, तो उसमें क्या होता है? जो सिलिकॉन के बॉन्ड्स हैं इतनी रिवर्स वोल्टेज से वो टूट जाते हैं एनर्जी लेके, तो लाखों की अमाउंट में सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं और करंट ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, जो बढ़ना नहीं चाहिए था क्योंकि रिवर्स बायसिंग के अंदर डायोड का काम है करंट को ब्लॉक करके रखना। यहां पर क्या हो रहा है? करंट को ब्लॉक करके उसको रखने का काम था, पर यहां पर कुछ ज्यादा ही करंट आ गया तो एकदम करंट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बढ़ जाता है, एकदम ग्राफ ऐसे बढ़ता है सीधा। इसको बोलते हैं रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमारी जो हम जो चाहते थे वो ये नहीं चाहते थे, हम ये चाहते थे कि करंट ना ही रहे, करंट को ये माइनॉरिटी करंट रहे और डायोड इसको रोक के रखे, जो आपका जो डायोड है वो रिवर्स बायसिंग में करंट को ब्लॉक करके रखे मेजोरिटी करंट को। पर ऐसा होता नहीं, अगर आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं वी की वैल्यू जब बढ़ती है पीछे की तरफ तो ऐसा हो जाता है कि उसको डायोड है वो ड्रास्टिकली करंट को बढ़ाता है। हम बोलते हैं कि डायोड ब्रेकडाउन मोड में आ गया, टूट गया अंदर से, ब्रेकडाउन मोड में आ गया, इसके बहुत सारे चार्ज कैरियर रिलीज हो गए। तो इस खास वोल्टेज को हम नाम देते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज, एक ही बात है, ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वैसे करेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी बनानी हुई, ऐसी नहीं बनती, थोड़ी स्ट्रेट सी बनती हैं, तो ये चलो फिर भी काफी बुक्स में ऐसे बनती हैं तो कोई बात नहीं, चलता है। तो ऐसा करेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ इसमें बनता है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स को जब कंबाइन किया जाता है तो ये देखो ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स है। ये जर्मेनियम के लिए सिलिकॉन के लिए मिलती जुलती हैं, लेकिन उनमें से किसका फर्क है, पर पैटर्न यही रखता है। तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं।
ठीक हो गया यहाँ तक। तो अगर प्लॉट करने को आ जाए करेक्टरिस्टिक्स या मार्क करने को आ जाए करेक्टरिस्टिक्स, पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, और ये भी पता होना चाहिए कि नी वोल्टेज क्या है। और नी वोल्टेज टर्म यूज होती है किसमें, फॉरवर्ड बायसिंग में, और ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज यूज करते हैं रिवर्स बायसिंग के अंदर। बस ये पता होना चाहिए।